ये फोटोग्राफर बनेगा बड़े ओके अभी कैमरा <laughs> उसको वो नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे तो बड़ा एंजॉय कर रहा है मुस्तफा की जो एक्साइटमेंट है ना वो ऐसी ही होती है आप लोगों को तो पता है और उस दिन इसने फोर्टीन हंड्रेड कोई पिक्चर्स खींची हुई थी वकार ने देखा है इस कैमरे में कहता है इसने तो कुछ चौदह सौ तस्वीरें खींची हुई है जमीन आसमान आदि शक्ल हाथ पांव <laughs> बिस्मिल्लाह इसकी खांसी नहीं जा रही मुश्तफा लिए जानी हाँ कितनी पिक्चर्स खींच लिए मुस्तफा ने हाय <laughs> अल्लाह इतना भारी कैमरा और कैसे पकड़ा <laughs> अच्छा गले में डाल के पिक्चर्स बनाता है <laughs> ऐसे भी पीछे भी सर लगता है ना फिर क्या होता ऐसे नहीं करो ना और मामा के पास लेट जाओ हम्म गुड बॉय मामा की पिक्चर्स बना रहे चलो अब मेरी बना <laughs> बिसमिल्ल अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र अल्लाह का करम तो आज की वीडियो जी बड़े मज़े की होने वाली है एंड तक देखनी है तो सबसे पहले तो मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वेलकम टू माई चैनल तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जी क्यूट सा छोटा सा बेबी शावर जो कि हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर अरेंज किया था जस्ट टू यू नो मेक हर फील स्पेशल मेक हर फील गुड और सरप्राइज़ दिया था एक्चुअली में और हमारी तीन फ्रेंड्स ने थी जिन्होंने एक्चुअली uh, में सारा कुछ डिसाइड किया था और इट वॉज रियली न्यूट्रल पार्टी वी डोंट नो द जेंडर ऑफ़ द बेबी येट सो इट वॉज रियली न्यूट्रल एंड द गिफ्ट वर सो न्यूट्रल दैट कुड बी यूज फॉर बेबी बॉय और द बेबी गर्ल एंड सेकेंडली आप लोग देखेंगे जी मैंने राइस कुकर में बहुत झटपट सा ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनाया था और उसका आप अफग़ानी पुलाव भी कह सकते हैं मतलब उसके थोड़ा थोड़ा करीब था यानी झटपट अंदाज़ में राइस कुकर में कैसे बन सकते हैं वो और साथ में मैंने चांपे बनाई थी वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है इन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छा सबसे पहली जो चीज़ है ना जो कि मुझे बहुत ही मज़े की और बहुत ही कुछी कुी लगी है वो है जी ये खूबसूरत सा आ, फोर पीस गिफ्ट सेट है ठीक है इतना ये मतलब मज़े का है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा अच्छा जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि बेबी का अभी कुछ नहीं पता शी इज़ अ गर्ल और बॉय सो मैंने बिल्कुल न्यूट्रल चीज़ें ली हैं जो कि दोनों यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है ठीक है तो ये मैंने फोर पीस गिफ्ट सेट लिया अच्छा सेकंड पे मैंने ये शूज लिए ये भी ऐसे हैं कि अगर तो लड़का हो तो भी पहन सकते हैं अगर तो लड़की तो भी ठीक है तो ये एक हो गया साथ में एंड ये क्या मतलब आपने देखा है सारी कलर कॉम्बिनेशन मैंने कैसा रखा है ये कैप और ये शूज़ भी दोनों पहन सकते हैं ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा इसके साथ मैच कर रहा था मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं साथ में मैंने जो बॉर्न का सूट लिया है ना वो भी मैंने ऐसा ही लिया है ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज का सूट है और ये थ्री पीस है साथ में बड़े खूबसूरत सी इसके ऊपर जैकेट सी है साथ में आ, मतलब ये हाँ ये सारी तीनों चीज़ें ठीक है, है? हाँ ये हो गया एक ये हो गया और साथ मैंने पता नहीं सॉक्स अचानक से मुझे नज़र आई मैंने कहा चलो ये भी रख लेते हैं इसका कोई इरादा नहीं था बाय द वे तो ये मेरी तरफ़ से गिफ्ट हो जाएगा अभी मैं इनको पैक करती हूँ क्योंकि जाना कल है पर मैं चाहती हूँ कि मैं ये गिफ्ट पहले से तैयार करके रख दूँ ऐसे जितनी कोई ख़ास पैकिंग नहीं करनी बस सिर्फ और सिर्फ इसमें डालना है ठीक है और ऊपर से मैं ज़रा ये गिफ्ट शीट्स जो है ना ये डाल दूँगी ठीक है जिस फ्रेंड ने अपने घर में सारा कुछ अरेंज किया था मैं उनके घर कभी भी नहीं गई फॉर द फर्स्ट टाइम मैं उनके घर जा रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत से लागत था मेरे घर से पंद्रह बीस मिनट की ड्राइव थी लेकिन मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था काम सा खैर हमारा सारा शहर ही बहुत खामोश बहुत यू नो छोटा सा शहर है बड़ा प्यारा सा साफ़ सुथरा सा जैसे कि आप लोग अक्सर देखते होंगे रोड्स वगैरह से अंदाज़ा लगा लेते होंगे तो खैर रस्से में कब्रिस्तान था मैंने सोचा कि चलें ये भी दिखा देते हैं कुछ लोगों को और मौसम भी काफ़ी मज़े का है आजकल कभी कभी धूप निकल आती है कभी कभी बस इसी तरह का क्लाउडी रहता है पूरा दिन खैर इट डिपेंड्स तो जी हम पहुंच गए हैं वो है घर और गाड़ियां सारी खड़ी हुई हैं पार्किंग में पहली दफा आई हूं मैं यहाँ पर चलो मुश्तफा भागो 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 तो जी ये हैं कुछ गिफ्ट्स अच्छा बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट कार्ड्स दिए थे पहले मेरा भी यही इरादा था कि गिफ्ट कार्ड दूं लेकिन नो फिर मेरा दिल कर रहा था नहीं ये गिफ्ट्स ले लेते हैं और ये था सेटअप बहुत ही खूबसूरत सा आप लोग देख सकते हैं मिक्स ऑफ कलर्स था कोई स्पेसिफिकली लाइक ब्लू एंड पिंक का कोई थीम नहीं था तो इसी तरह का कुछ अरेंज किया हुआ था जिस मेरी फ्रेंड ने अपने घर अरेंज किया था वो बहुत ज़बरदस्त बेकिंग करती है तो सारी बेकिंग के आइटम्स उन्होंने खुद तैयार किए थे अच्छा उनके घर में ये सन रूम था जिसको उन्होंने मतलब बच्चों के लिए टॉय रूम बना दिया था तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मुस्तफा बड़ा खुश हो गया था और यहां आते जी खाने के आइटम्स की तरफ मेरी जिन तीनों फ्रेंड्स ने अरेंज किया था डिसाइड किया था सब कुछ उन्होंने ही खाना खुद मिलके ना अरेंज कर दिया था किसी को भी वैसे तो होता है ना कि आप वन डिश कर लो हर बंदा एक एक डिश ले आए या पॉटलॉक काइंड ऑफ उन्होंने कहा नहीं सब कुछ हम खुद करेंगे आप सब लोगों ने बस आना है हम लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट करना है और मोस्टली मतलब सारी लेडीज़ थी बच्चे वगैरह अलाव नहीं थे हाँ टोटलर्स जैसे कि मुस्तफ़ा टाइप के बच्चे अलाव थे दो तीन ही बच्चे थे बाकी कोई कोई अपने साथ अपने बच्चे नहीं लाया हुआ था क्योंकि सारी ममीज कह रही थी कि हम सब मिल बस इंजॉय करना चाहते हैं आज हम ममी डे है तो खैर खाने के बहुत सारे आइटम्स हैं जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है और बड़े मज़े मज़े के आइटम्स थे बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ा आया Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. और यहाँ पे जो सबसे मजे की और मुझे जो मतलब मेरी फेवरेट चीज़ लगी वो थी ये हलीम बीफ हलीम थे आई गेस बहुत मजे की थी बहुत ही ज़बरदस्त क्योंकि हलीम तो मुझे बहुत पसंद है खैर खाना पीने के बाद हम सारे नीचे आगे से डाउन स्टेयर्स यहाँ पर कुछ गेम्स उन्होंने अरेंज की हुई थी डेफिनेटली हर चीज़ में कैप्चर नहीं कर सकी थी ड्यू टू द प्राइवेसी पॉलिसी एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंजॉय तो छोटी छोटी मैं झलकियाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को क्या हुआ बहुत सारी गेम्स थी जिसमें से मैंने चंद एक दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे जी इन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है और एक बेबी है और उसके आ, मतलब जो मुंह वाला हिस्सा है ना उधर आप लोगों ने पैसे फायर लगाना था एक स्टिकर था तो जो एग्जैक्ट जगह पे लगाता वो विन कर लेता तो बस इसी तरह ही हम सब ने ये बारियाँ की और बहुत सारी गेम्स थी जो कि मैं नहीं भी कैप्चर कर सकी तो खैर बड़ा ही फ़नी था और बहुत ही मज़ा आया हमें ¡Gracias! <laughs> oh. होता उसको गिफ्ट मिलता और बड़े मज़े का टाइम स्पेंड हो गया फिर इस तरह से जी एम सी क्यूज कुछ हमारा टेस्ट भी हुआ यू you नो know, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन थे मॉमी से रिलेटेड बेबी से रिलेटेड जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया कि मतलब डिफरेंट चीज़ें पता लगी तो खैर बहुत मज़ा आया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ याद आ गई और सारी मोमीज़ थी तो ये भी बड़े मज़े की चीज़ थी तो खैर इस तरह से हमारा टाइम गुजरा फिर एंड पे जाते हुए भी, भी उन्होंने सबको गिफ्ट्स दिए थे विच वॉज अमेजिंग और खैर मतलब बस यही सब कुछ हमने एंजॉय किया और अब हम चलते हैं घर की तरफ भागो मुस्तफ़ा जी भागो 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 हम अब यहाँ से फारग हो गए ओहो यहाँ पे तो खूसे थे मेरे और गीले हो गए क्योंकि जगह गीली है अच्छा चलो वहाँ चलते हैं अब हम धिका लगा रहे हो धिक्का लगा रहा है गाड़ी को जैसे इसकी धिक्के लगाने से चल पड़ेगी <laughs> गाड़िया ऐसे नहीं चलती गाड़ियां ऐसे नहीं चलती जानी तो जैसे कि आप देख सकते हैं शाम हो गई है बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें प्यारा गुडी बैग मिला था ड्रेस भी दिखाती हूँ जो कि मैं बिल्कुल भूल गई स्टार्ट में दिखाना चाहिए था खैर यहाँ पर जी दरख्तों का कलर चेंज हो रहा है जो कि मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है आजकल और बस अब हम आ गए घर ये ड्रेस मैंने पहना था जी दिस इज़ फ्रॉम आगा नूर जो कि मैं आई थिंक पहले भी पहन चुकी हूँ और uh, मुझे बड़ा पसंद है ब्लैक ड्रेस साथ में मैंने खुसा पहना था तो ये थी जी मेरी ओवरऑल लुक और हमें जी दो गुडी बैग्स मिले थे एक में चॉकलेट्स थी यानी कि स्वीट्स वगैरह और साथ में एक ही बड़े वाला जिसमें बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी और मुस्तफ़ा को बड़ा मज़ा आ रहा था जी खोलने में साथ चॉकलेट्स भी थी डेफिनेटली बच्चों की कमज़ोरी तो खैर इस तरह की चीज़ें थी कुछ यू नो फेस के हवाले से नील पेंट था लिप स्क्रब था बड़ी प्यारी सी छोटी सी कैंडल थी उसमें भी चॉकलेट्स थी तो ये हो गया जी हमारा प्यारा सा गुडी बैग अगले दिन जी मैंने इस तरह से कुछ चांपें निकाली अचानक से मैंने सोचा कि चलो आज चाम्पू को ज़रा रोस्ट करते हैं और वकार ये लेकर आया था तो खैर इस तरह से मैंने चांपो को पहले डीफ्रॉस्ट कर लिया क्योंकि फ्रीज़र में थी और अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर डाल रही हुई नमक ठीक है ना नमक आप लोगों को नहस पे ज़ायका डालना है पर थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा और इसमें चला जाएगा वाइट पेपर वाइट पेपर से यह होता है कि बहुत ज़्यादा काला नहीं बनता रोस्ट और ये हाफ टी स्पून चली गई हल्दी ठीक है सारा टी स्पून के हिसाब से मैं बता रही हूँ वन टी स्पून इसमें चला गया ज़ीरा पाउडर अब चला जाएगा कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखे धनिया का पाउडर और लेमन जितना मर्ज़ी निचोड़े मैंने तकरीबन दो लेमन निचोड़े थे क्योंकि नॉर्मल साइज़ के थे बहुत बड़े साइज के नहीं थे लेमन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप कर देता है किसी भी बारबेक्यू में और इसीलिए मैं ये डाल रही हूँ और इसके अलावा आप चाहें तो थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं बेटें लेकिन आज मैंने सिरका नहीं ऐड किया था तकरीबन टू टेबलस्पून भर के ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया ठीक है टू टेबल स्पून अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी योगर्ट बहुत ज़्यादा मैं मैंने डालूँगी नहीं तो फिर बहुत रनी सा पेस्ट बनेगा इसलिए टू टेबल स्पून बिल्कुल एनफ है लाल मिर्च आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितनी आपको तीखी चाहिए और थोड़ा सा नमक आई थिंक मैंने दोबारा से भी ऐड कर दिया था क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब ओवन में आप रखते हैं तो जूसेज़ वगैरह निकलते तो कुछ थोड़ा बहुत मसाला हट भी जाता है और मैं इसको थोड़ा नमकीन फ्लेवर देना चाह रही थी इसीलिए मैंने नमक थोड़ा सा और भी ऐड कर दिया था आप लोगों की मर्ज़ी है नमक आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं क्योंकि मुझे वो नमकीन टिका ज़रा ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए अच्छा इसको मैंने बहुत ज़्यादा मेरीनेट नहीं किया था क्योंकि शाम का ही मेरा अचानक दिल किया था तो तरीबन घंटा एक मैंने इसको मैरिनेट किया होगा और इस तरह से मैंने एल्युमिनियम फॉइल दोबारा से बेकिंग ट्रे में लगा दी थी ठीक है और एक घंटे बाद मैं इसको इस ट्रे में लगा रही हूँ लास्ट टाइम पर भी आप लोगों को याद होगा जब मैंने लैम्प लैग बनाई थी सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम फॉइल मैंने नीचे और ऊपर रख के इसको प्रॉपर रैप कर दिया था तो मुझे बड़ा मज़ा आया था तो इस दफ़ा भी मैंने ऐसे ही किया और थ्री फिफ्टी फेरन हाई टेम्परेचर था प्री हीटर था ओवन ठीक है और इसको मैंने ओवन के अंदर रख दिया और ओवन में रखने के बाद हर एक घंटे बाद मैं चेक कर रही थी तो तकरीबन ये दो घंटों में प्रॉपर कुक हो गया था क्योंकि मैंने इसको कोई ओवरनाइट मैरिनेट नहीं किया था और चांपें थी चांपें ज़रा जल्दी बन जाती हैं तो खैर यहाँ पर आ जाते हैं जी हम राइस कुकर की तरफ ठीक है तो ये है जी मेरा छोटा सा राइस कुकर और इसमें मैं हमेशा से जब भी कोई रोस्ट वगैरह बनाना हो तो चावल में इसी में ही बनाती हूँ ऑयल मैंने डाल दिया सबसे पहले और फ्राइड अनियंस डाले ठीक है और वन टी आप भी मेरे हाथ में देख रहे हैं और मसाला देख सकते हैं कि टी से भी कम है तो मैंने सबसे पहले कुरियडर पाउडर डाला अब चला जाएगा जीरा पाउडर और अब इसमें चला गया गरम मसाला पाउडर ठीक है और नमक आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं मैं दो गिलास जब भी लेती हूँ चावल तो दो गिलास के हिसाब से दो टीस्पून मैं नमक ऐड करती हूँ और जिस गिलास से कप से मैंने चावलों को मैयर किया होता है उसी से फिर मैं पानी को भी ऐड करती हूँ तो दो का मैंने चार ऐड कर दिया था क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैंने चावलों को भिगो भी दिया था यहाँ पर जी मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और डाल रही हूँ अब जी नोड़ का चिकन क्यूब अच्छा ये मैं क्यों डाल रही हूँ क्योंकि जब अफवानी पुलाव होता है ना तो उसमें हाँ, वो स्टॉक में बनता है यानी कि वो यखनी में बनता है ठीक है तो वो यखनी वाला सीन तो था नहीं क्योंकि झटपट था तो इसीलिए मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दिया और वो मैंने किशमिश ब्लैक रिजन ऐड की थी ठीक है चावल मैंने दो ग्लास लिए थे यानी दो कप जो बड़े वाले होते हैं तो वो मैंने पहले भी गो दिए थे खैर वो भी मैंने डाल दिए ये सारी चीज़ें मैंने डाल के वाइट राइस का जो ऑप्शन था मेरे पास राइस कुकर में वो मैंने क्लिक कर दिया 45 मिनट्स में मेरे राइस बन गए थे अपने हिसाब से ये बना लेते राइस कुकर और ये देखिए जी ये मेरे झटपट सा पुलाव तैयार हो चुका है और इसमें क्योंकि मैंने चिकन क्यूब ऐड किया मसाले वही ऐड किए जो नॉर्मली अफगानी पुलाव में होते हैं तो इसीलिए इसका फ़्लेवर भी वही आ रहा था खैर इना मीन ऑयल मैंने देखा ओवन में कि ये तो प्रॉपर गल चुका है अब इसको मैंने ऊपर से एल्यूमिनियम शीट हटा दी और ये देखिए ऑयल जो आपको नज़र आ रहा है ना ये इसने अपना क्योंकि ये इर्द गिर्द इतना ज़्यादा फैट था तो ये प्रॉपर वही वाला ऑयल है तो खैर इसको मैंने अभी सर ओपन छोड़ दिया ठीक है ओवन के अंदर और यहाँ पर आ जाते हैं जी गाजरों की तरफ़ क्योंकि झटपट पुलाव था अफगानी तो मैंने इस तरह से गाजरों को काट लिया और एक छोटे से पैन में मैंने ऑयल डाला और अब ये जो मैंने छोटी छोटी बेबी कैरेट्स जो काटी हैं ना इनको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ठीक है और अब हम इनको फ्राई करेंगे अच्छा कुछ लोग सिर्फ फ़्राई करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा मीठा भी ऐड करते हैं और मुझे मीठा पसंद है क्योंकि पेशावर में या पाकिस्तान में थोड़ी मीठी गाजरें होती थी तो इसीलिए मैं ना चीनी भी थोड़ी सी ऐड करूँगी मीठी गाजरें हमारी तैयार हो चुकी हैं वैसे यहाँ पे अगर मैं किशमिश राइस में ना डालती तो यहाँ पे उनको भी मैं फ्राई करती वैसे सूलन उधर ही करना चाहिए था लेकिन पता नहीं मैंने क्यों राइस कुकर में डाल दी थी खैर यहाँ पे मैंने चावल निकाल दिए ठीक है अब इसके ऊपर हम सर्व करेंगे मीठी सी जो हमारी कटी हुई गाजरें हैं वो और ये देखिए जी ये हमारे चांपें भी तैयार हो चुकी हैं और इतने मज़े की इतनी टेंडर थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती तो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा इन बहुत मज़ा आएगा और मसाले भी आप लोगों ने देखे मैंने कितने बेसिक से और बहुत नॉर्मल से डाले थे लेकिन ज़ायका इतना मज़े का था कि लग ही नहीं रहा था कि ये तीन चार मसालों में बनी हुई चीज़ है मैंने कोई एक्स्ट्रा बारबिक मसाला नहीं डाला था वही जो घर के जो हमारे हर मतलब घरेलू यूज़ के मसाले होते हैं सेम वही था खैर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी तो चले जी अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त तो यहाँ पे जी आप लोगों ने मुझे रखना है अपनी दुआ में याद अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय बाय